नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको रीट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं अन्य भर्तियों की जानकारी मिलेगी। साथ साथ राजस्थान शैक्षिक समाचार की पीडीएफ फाइल भी आपको वहां पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 21 नवंबर 2021 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31,000 के बजाय 50,000 पदों पर हुई भर्ती तो सभी विषयों में कट ऑफ गिरना तय। 3 साल में होगी पहली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, इसलिए 15 लाख बेरोजगार चाहते हैं पदों में वृद्धि। मुख्यमंत्री की हर सभा में पद वृद्धि की गूंज, परिणाम के पैच सुलझे तो जारी हो विज्ञप्ति। राजस्थान पत्रिका न्यूज सीकर। सरकार इसलिए अड़ी है 31,000 पदों के लिए। आखिर साल का रिपोर्ट, वित्तीय प्रावधान, रीट में पद नहीं बढ़ाने के पीछे सरकार की दूसरी मजबूरी वित्तीय प्रावधानों की है। सरकार की ओर से लगातार तर्क दिया जा रहा है कि बजट में 31,000 पदों को ही मंजूरी मिली है, इसलिए पदों में बढ़ोतरी संभव नहीं है। सरकार फिलहाल 31,000 पदों पर ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती कराने के मोड में नजर आ रही है। इसके पीछे बड़ी वजह आगामी विधानसभा चुनाव है। सरकार की मंशा है कि फिलहाल 31,000 पदों पर ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती की जाए, फिर चुनाव से पहले 20,000 से 30,000 पदों पर एक और भर्ती की जाए, इसलिए पदों में बढ़ोतरी संभव। पहले रीट विवादों में और बंद स्कूल खुलेंगे, इसलिए बढ़ सकते हैं पद। हर साल बदले प्रावधान, विज्ञप्ति इसलिए नहीं हो पा रही है अनलॉक। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने महज 36 दिन में रीट का परिणाम जारी कर दिया, लेकिन परिणाम के पेज अभी भी उलझा है। इस वजह से बोर्ड की ओर से प्रमाण पत्रों की प्रिंटिंग शुरू नहीं कराई है। इसके अलावा कोर्ट में मैटर है, बीएड डिग्रीधारियों के प्रथम लेवल में अनुमति व प्रश्न पत्र लीक मामले न्यायालय में उलझे हुए। सूत्रों की माने तो सरकार के विशेष अनुमति देने पर ही इन मुद्दों के बीच में विज्ञप्ति जारी हो पाएगी। रीट शिक्षक भर्ती 2021। बेरोजगारों का आंदोलन 38वें दिन भी जारी। उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में नवज्योति जयपुर 21 सूत्री मांगों को लेकर। 3 वर्ष बाद भी स्थायीकरण नहीं होने से शिक्षकों में रोष। राजस्थान पत्रिका न्यूज डूंगरपुर। रीट 2018 चयनित। आरएएस प्री परीक्षा 2021 परिणाम पर विवाद। कट ऑफ से ज्यादा नंबर फिर भी मुख्य परीक्षा के लिए चयन नहीं। अभ्यर्थियों का दावा, प्रारंभिक आंसर की के आधार पर ज्यादा नंबर मिले फिर भी चयन नहीं। आयोग ने कहा फाइनल आंसर की जारी होगी, फिर शिकायत आएगी तो जांच कराएंगे। इन अभ्यर्थियों ने किया रिजल्ट में गफलत का दावा। जयपुर भास्कर न्यूज। रीट एसआई भर्ती को लेकर उठा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस प्री परीक्षा 2021 के परिणाम पर भी विवाद खड़ा हो गया है। पिछले 3 आरएएस परीक्षाओं पर उठा विवाद, आरएएस प्री परीक्षा के परिणाम पर विवाद, विरोध शुरू। कट ऑफ से ज्यादा नंबर फिर भी परिणाम में नहीं है रोल नंबर, ऐसे बताई अभ्यर्थियों ने पीड़ा। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। नए अध्यक्ष कराएंगे मुख्य परीक्षा आरएएस 2021। मुख्य परीक्षा अप्रैल तक, आयोग की तैयारी, समय रहते कराए जाएंगे सभी कार्य। राजस्थान पत्रिका न्यूज अजमेर आरपीएससी। आरएएस मुख्य परीक्षा जनवरी से अप्रैल के बीच कराना प्रस्तावित है, इसकी तैयारियां समय रहते पूरी की जाएगी, आरपीएससी चेयरमैन का बयान। शिक्षा निदेशक को सौंपा 7 सूत्री मांग पत्र, बाड़मेर राजस्थान पत्रिका। स्कूल व्याख्याता के पद सृजित, सेकेंड ग्रेड एवं प्रधानाचार्य व वाइस प्रिंसिपल के 50% पदों पर सीधी भर्ती करने की मांग।
कांस्टेबल भर्ती आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर क्यों न अवमानना के लिए दंडित किया जाए। राजस्थान हाई कोर्ट, कांस्टेबल भर्ती 2018 मामला। विद्या संबल योजना, बिना वेतन कैसे मिलेगा विद्या को संबल, शुरू होते ही योजना पर संकट। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। बोर्ड की पूरक परीक्षा संपन्न, परिणाम शीघ्र। अजमेर भास्कर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। लाइब्रेरियन पदों के मामले में हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया, साधुलपुर। भारतीय सेना में निकली भर्ती 200 पदों पर, एसएससी ऑफिसर की भर्ती जयपुर, नई भर्ती। रेस्टा ने मांगों को लेकर शिक्षा निदेशक को ज्ञापन दिया, खंडेला। भास्कर न्यूज, हिंदी व अंग्रेजी के खाली पदों को लेकर ज्ञापन दिया, स्कूल व्याख्याता पद सरजीत को लेकर, अलवर। भास्कर न्यूज, 3 जिलों के महात्मा गांधी स्कूलों को मिलेंगे 67 सेकेंड ग्रेड शिक्षक, चूरू। साक्षात्कार में चूरू, झुंझुनू व सीकर जिले के 506 शिक्षकों ने लिया भाग। आरएसपी जिले के 700 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन, झुंझुनू जिला। एएन सिविल के इंटरव्यू कल, आरपीएससी अजमेर। भास्कर न्यूज, कोचिंग क्लास में बताई फैकल्टी ने नहीं पढ़ाया, कोचिंग सेंटर पर 17,500 हर जाना, 75% फीस भी ब्याज सहित लौटानी होगी, जयपुर। भास्कर न्यूज, बिना परीक्षा मिले बंपर प्राप्तांक, बने 5 करोड़ के पुरस्कार में पनौती। राजस्थान पत्रिका हनुमानगढ़। बीकानेर एमजीएस विश्वविद्यालय 6 संकायों के 36 विषयों के सिलेबस को मिलेगी मंजूरी, बीकानेर। भास्कर न्यूज, जेएनएम सेकेंड ईयर की मुख्य परीक्षा 25 से, जयपुर। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, पहली से 12वीं तक अर्धवार्षिक परीक्षा 10 से 24 दिसंबर के बीच, सीकर। भास्कर न्यूज, खुला विश्वविद्यालय यूजी पीजी में आवेदन अब 7 दिसंबर तक, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। शिक्षक बोले, कृषि कानूनों की तरह पुरानी पेंशन योजना लागू करे केंद्र सरकार, बीकानेर। भास्कर न्यूज, प्री पीएचडी की मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जोधपुर। भर्ती परीक्षा, सामान्य टीएसपी की कट ऑफ 80.56, महिलाओं के लिए सामान्य व टीएसपी का आंकड़ा भी बढ़ा, वही वह जो भास्कर ने बताया, आरएसपी रिजल्ट में फर्जीवाड़ा। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, 5 दिसंबर को 3 चरणों में होगी परीक्षा, 10वीं 12वीं के विद्यार्थी होंगे शामिल, डूंगरपुर। श्रेष्ठ सीनियर स्कूल को 1,00,000, सेकेंडरी स्कूल को 50,000 रुपये तक का पुरस्कार, भीलवाड़ा। राजस्थान शिक्षा विभाग, सीबीएसई का फर्स्ट टर्म शुरू, परीक्षा के तुरंत बाद जांची जाएगी कॉपियां, कोटा। भास्कर न्यूज, नियमों में बदलाव, निजी स्कूलों में इस बार निःशुल्क प्रवेश व मुश्किल, झालावाड़। भास्कर न्यूज, कॉलेज में 25% सीटें बढ़ाने के लिए छात्र संघ ने की मांग, दौसा। विधायक को ज्ञापन सौंपा, ये लापरवाही ठीक नहीं, करीब 58,000 स्टूडेंट्स नहीं खेल पाएंगे टूर्नामेंट, क्योंकि 135 कॉलेजों ने खेल शुल्क जमा नहीं कराया, भरतपुर। भास्कर न्यूज, विश्वविद्यालय में बीए बीएससी बीएड की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय नवज्योति, जोधपुर। आईआईटी एनआईटी जोसा काउंसलिंग 2021, एनआईटी ट्रिपल आईटी में आंशिक प्रवेश फीस जमा करवाने पर ही मिलेगा प्रवेश, नवज्योति, जयपुर। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करे, मेवाड़ा। जागरूक टाइम्स न्यूज, विद्यार्थियों की पढ़ाई का भंडाधार, शिक्षकों में आक्रोश। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।